सोलन के कंडाघाट में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब उत्तराखंड परिवहन की एक बस की ब्रेक फेल होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी और वह शिमला से टनकपुर की ओर जा रही थी। उत्तराखंड परिवहन की बस नंबर UK04PA1716 कंडाघाट में नवनिर्मित टनल के समीप पलट गई। बस में 60 के करीब सवारियां बैठी हुई थी, जिसमें से करीब 35 जो सवारियां हैं उनको हल्की चोटें आई हैं। वहीं 3 घायलों को IGMC शिमला रेफर किया गया है। वहीं 2 घायलों को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। स्थानीय पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कंडाघाट के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया था। गौरतलब है कि NH5 पर दुर्घटनाओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 9 महीनों की बात करें तो 140 सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 14 लोगों की मौतें व 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब परमाणु से लेकर कैथली घाट के बीच सड़क दुर्घटनाएं ना हुई हों। वहीं बस सवार यात्री व ड्राइवर ने बताया, मेरा नाम है कृष्णा मन्नी। कहाँ जा रहे थे? मैं नेपाल। क्या हुआ? अपना ये गाड़ी का ब्रेक फेल पहले हो गए थे, जैसे यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर पहले हुआ था, इससे तो हुआ था गाड़ी पूरा चला चला। वहाँ से एगार जाए सीधा इधर आके गिर गया। चोट तो नहीं आया हम लोग को, थोड़ा बच गया ना। कितने लोग थे? लोग तो बहुत थे, एक सीट में जैसे 3 लोग का सीट है, उसमें 4 लोग जला थे। हाँ, उसमें 4 लोग जला थे। उसके बाद जो 2 लोग का सीट है ना, उसमें 3 लोग थे। इसी हिसाब में सर लोग 100 से ऊपर होगा सही। चलो जी, टी वी कुछ वहाँ ब्रेक फेल हो गई थी। मैं वहाँ से गाड़ियाँ बचाते बचाते, मेरे को यहाँ का पता था कि मैं यहाँ मोड़ के पहाड़ में टकराऊंगा जी। मेरे आगे पीछे से कार है आगे जी। फिर मैंने इधर फेंकी बस। कब आपको लगा कि ब्रेक फेल होगी? कितने टाइम पहले? मेरे को बहुत ऊपर ही पता लग गया कि ब्रेक फेल, कंट्रोल ही नहीं हुई गाड़ी, स्पीड पकड़ रही थी। बस में तकरीबन कितनी सवारियां होंगी? कितने होंगे कंडक्टर साहब को पता होगा, वो तो उतना पता नहीं रहता ना सर। होंगे 40-45-46 सवारी होंगे, इतनी सीटर तो होती है जी। और उनका सामान था, नेपाली आदमी का सामान होता है। ये बस कहाँ जा रही थी? टनकपुर बनवासा टनकपुर। मेरे को चांस ही नहीं मिला सर, चांस ही। बहुत कोशिश की, सवारी को भी पता है, मेरे को ये इस जगह का पता था। मैं यहाँ से काटू करके मैंने पहाड़ में टकराने की सोची, तो यहाँ से आगे पीछे से कार आ गई मेरे, बहुत भीड़ थी।